दोस्तों, स्वागत है आपसे फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जब भी आते हैं कुछ न कुछ नया, कुछ नया रोजगार के साथ आते हैं। जो जानते ही हो कि जो सीबी इंटरप्राइज जैन ने पिछले वीडियो को आपने देखा भी होगा, यहाँ पे लगभग कई वीडियो हमने बना चुके हैं, तो फिर आ चुके हैं सर के पास और जानते हैं कि वह कौन सा बिजनेस आइडिया है, जो कौन सा रोजगार है जो आप खुद लगा कर आप खुद रोजगार भी पा सकते हैं और दूसरे को रोजगार भी दे सकते हैं। तो सर से मिलते हैं यहाँ के ऑनर दिनेश सर से, और दिनेश सर से जानते हैं कि वह कौन सा बिजनेस आप लोगों के लिए बेहतर होने, वो सारी जानकारी देंगे। वो कौन सा बिजनेस है, वो बनाने का प्रोसेस क्या है, वो कितने इन्वेस्टमेंट लगेगा, वो बनाने के बाद वो मार्केटिंग में आपको कैसे सेल करना है, वो सारी प्रोसेस बताते हैं। वो आप कहाँ कहाँ इस बिजनेस को लगा सकते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, हमारे व्यूवर्स को लिए आज ऐसे कौन से बिजनेस के बारे में बताने वाले, जो हमारे व्यूवर्स चाहे दर्शक अगर बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, वो इच्छुक है कि खुद का रोजगार करना, अपने जो देखते हैं कि छोटे से अपना बिजनेस करके अपने बड़े नाम कमा सकते हैं, वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में कौन सा बिजनेस आइडिया आपके पास है। बिल्कुल सर, सबसे पहले आपका और आपके व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारी कंपनी सीबी एंटरप्राइजेज में। जी जी जी। और आप इतनी दूर से चल के यहाँ तक आए हैं आपके व्यूवर्स के लिए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जी। मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा है, हमारी कंपनी का नाम है सीबी एंटरप्राइजेज, जो कि राजस्थान भीलवाड़ा में है। जी, जी। आज जिस बिजनेस आइडियाज की हम बात करने वाले हैं सर, उसको अपन कहते हैं पोल फैक्ट्री। पोल फैक्ट्री जी, मिनी पोल फैक्ट्री। जी, जी। जैसा अपन देखते हैं अपने कहीं पर भी, जैसे गाँव में हो या शहर में हो, तो कहीं पर आपको अगर बाउंड्री करनी है या अपने खेतों की या अपने बाड़े की अगर आपको चारों तरफ बाउंड्री करनी है, बहुत ही कम लागत में अच्छी फैसिलिटी के साथ अगर आपको बाउंड्री करनी है, तो उसमें आपको सबसे जो सफिशियंट चीज होती है वो होते हैं पोल। पोल जी, सीमेंटेड जो पोल होते हैं। जी, आज अपन मार्केट में देखते हैं कि पहले जो पोल फैक्ट्री लगती थी उसमें आपको काफी लागत आती थी। जी, और उसके अलावा उसमें आपको प्रोडक्शन उतना नहीं बैठ पाता जितना आप करना चाहते हैं। उसमें आप जैसे 25 या 48 या 72 या ज्यादा से ज्यादा आप 150 खंबे तक जो है बना सकते थे, और उसमें भी आपको उसको बना करके होल्ड करना होता था। लेकिन आज जो हम आपको मशीन दिखाने वाले हैं, उसके अंदर आप अनलिमिटेड प्रोडक्शन कर सकते हैं। अनलिमिटेड प्रोडक्शन। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो, अगर अनलिमिटेड प्रोडक्शन हो तो प्रोडक्शन पे ही आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है। जितने प्रॉफिट, जितने प्रोडक्शन होगी उतने प्रॉफिट होगी। जी बिल्कुल। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो प्लांट चलते थे उनमें आपको खंबे जो है वो तीसरे दिन तक भर के रखने होते थे। इसमें आप हैंड टू हैंड खाली करते जाइए और आपका प्रोडक्शन बढ़ाते जाइए, प्रोडक्शन बढ़ाते जाइए। तो सर प्रोसेस क्या है, वो कौन सा मशीन है, इसमें कैसे कार्य करती है, उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा जानकारी दीजिए। बिल्कुल सर, आपका पूरा पोल फैक्ट्री का प्लांट चालू करने के लिए सबसे पहले जिन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, ये आपका पूरा सेटअप है, जिसमें पूरा सेटअप है। बिल्कुल, जिसमें आपको ये स्प्रिंग टेबल मिलती है, इसको आप वाइब्रेटिंग टेबल कहते हैं। बिल्कुल, इसके अंदर नीचे 1 HP की मोटर लगी हुई रहती है जो इसको वाइब्रेशन का काम करती है, और 2 आपके ये मोल्ड रहते हैं। मोल्ड का क्या काम है, इनके अंदर आपको रॉ मेटेरियल भरना है, रॉ मेटेरियल भर देना है, उसमें आपका वाइब्रेट करा और उसको खाली कर दीजिए, आपका खंबा बन के तैयार है। तैयार। बिल्कुल। तो सर, इसका बनाने का प्रोसेस हो गया, जो कि इसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया है, तो उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को जानकारी दें। इसमें सर 3 महत्वपूर्ण जो रॉ मटेरियल होते हैं, सबसे पहला सीमेंट, दूसरा रेत, जिसको आप सेंध बोल सकते हैं, बजरी बोल सकते हैं, या रेत बालू, जो भी आप अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है। और तीसरी चीज होती है गिट्टी, जो कि अपनी 12 mm जो गिट्टी होती है, 10 mm जो गिट्टी होती है, जो अपने RCC वगैरह के लिए यूज में होती है, वो इसके अंदर यूज में होती है। और चौथा, कई जगहों पर कोई लोग क्या करते हैं, इसके अंदर डस्ट भी यूज में लेते हैं, जो क्रशर प्लांट की डस्ट होती है। दोस्तों, चाहते भी होंगे कि आप अपना मार्केट में जैसा मार्केट बनाना चाहते हैं, इसमें जैसा अगर प्रोडक्ट डालेंगे वैसा उसका मजबूती निकलेगा, वैसा प्रोडक्ट आप मार्केट में अगर खुद बढ़िया देना चाहते हैं तो बढ़िया प्रोडक्ट यूज करके अपने मार्केट में नाम पहचान बना सकते हैं। तो सर, इसका बनाने में जो कितने लेबर की आवश्यकता होती है, कितने इसका स्पेस, जगह जो बोले जाते हैं इसमें, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स हैं। बिल्कुल, अगर आपके पास कम से कम, अगर अपन मान के चलें कि अगर आपके पास कम से कम अगर 3,000 square feet जगह भी है, जी, तो उसमें भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका पूरा प्लांट सेटअप हो जाएगा। जी जी, जी। तो दोस्तों, अब चाहते भी हैं अगर इस बिजनेस के करना है, तो ये बिजनेस अब काफी गांव में भी अधिकतर जो देख रहे हैं, काफी ये बाउंड्री करने के लिए शहर से लेकर के अगर गांव में जनरली जो देखते हैं, पोल से घर भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल, जो पिलर जो डाला जाता है, जनरली कहीं पे देखे भी हैं कि जो पिलर जो डाल करके उस पर अपना घर बनाया जाता है। इसका क्या होता है सर, ये फ्लेक्सिबल चीज होती है, हर जगह यूज में आती है। और सबसे पहला यूज तो इसका जैसे गांवों में होता है, शहरों में होता है, जहां कहीं भी आपको अगर बाउंड्री करनी है तो ये पिलर लगाए आपने और तार बंदी करी, आपकी जगह पैक हो गई, पैक हो। दूसरी चीज हो गई, आजकल जो हाईवेज जो बन रहे हैं, उन हाईवेज में साइडों में भी इन चीजों का यूज हो रहा है, ताकि पशु रोड पर नहीं आए।
तो दोस्तों देख रहे हैं इस बिजनेस को अगर कितना हाई डिमांडेड है। अगर बिजनेस में ये अगर कहा जाए तो मार्केट में अभी बिल्कुल नया नया है और इस बिजनेस के बारे में अभी जनरली हमने कभी देखा भी नहीं है, लेकिन ये बिजनेस आपके पास देखे हैं सर। ये अभी जो बिजनेस कर रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है, मतलब उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डर पड़े हैं। अगर आप मान लीजिए नॉर्मली किसी जनरल खेत की बाउंड्री या भाड़े की बाउंड्री करते हैं, नॉर्मल अगर कस्टमर आएगा ना आपके पास नॉर्मल से नॉर्मल तो भी 25 से 30 खंबे लेके जाएगा। बिल्कुल तो मार्केट अगर वो अगर 25 से 30 कस्टमर अगर एक को लेकर के जाते हैं, अगर पांच भी कस्टमर आ गए तो पर डे का सर बढ़िया खासा सेलिंग होगा। बिल्कुल सर, अगर किसी के पास बड़ी जगह है तो वो 200 ले जाएगा, 300 ले जाएगा, 400 ले जाएगा वो कस्टमर, और कस्टमर आपको ढूंढते हुए आएगा, आपको इसको लेके कहीं नहीं जाना, आपको तो रोड साइड वगैरह कहीं पर भी है तो आपके खंबे बना के रेडी कर देने। अगर आपकी क्वालिटी और व्यवहार अच्छा है तो कस्टमर 50-100 किलोमीटर दूर से भी आके आपसे लेके जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, अगर बिजनेस ही एक ऐसा चीज है जो आप एक नहीं दो नहीं यहाँ पर कितने लेबर को स्टाफ को खड़वा करके आप नहीं भी रह सकते हैं फिर भी आपका बिजनेस चल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सर इस बिजनेस में अगर कहा जाए तो सर इसमें लेबर की आवश्यकता कितनी है उसके बारे में? 4 से 5 आदमी की जरूरत होती है इसमें फुल्ली। आप अगर 5 आदमी आपके पास है तो आपका पूरा प्लांट ऑपरेट हो जाएगा, जिसमें आपका मटेरियल मिक्स करना, इसमें डालना। सर मटेरियल मिक्स करने के लिए उसके लिए अलग मशीनें हैं या अपना नॉर्मली यूज करके बना सकते? दो ऑप्शन होते हैं सर। अगर आपके पास बजट कम है, केवल आप इससे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जो फावड़ा होता है उससे भी लेबर मिक्स कर सकती है। दूसरा ऑप्शन होता है मिक्सर का, जो हांडी मिक्सर होता है हाफ बेग का या 1 बेग का, वो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। अगर आपको मिक्सर चाहिए तो आप मिक्सर के साथ भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, सर ने जैसे बताया है कि अगर हम नॉर्मली इस बिजनेस को करना, अगर मिक्स करके अपना हाथ से मैनुअली मिक्स करके अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, अगर नहीं तो आपको मिक्सर की आवश्यकता है तो अभी आप मिक्सर बनाते हैं? बिल्कुल, हमारी कंपनी बनाती है, बिल्कुल दे देते हैं, कस्टमाइज होता है हाफ बैग 1 बैग, इसमें दो क्वालिटी होती है, जैसा चाहिए वैसा दे। तो सर इसके सर्विस में, इसमें तो 1 HP है तो जनरली तो इसमें 1 HP के नाम ही सुनकर के हमारा व्यूअर चाहे दर्शक तो पता चल गया होगा कि वो घरेलू इलेक्ट्रिसिटी से वो बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल, 1 HP की इसके अंदर मोटर होती है जो सिंगल फेज से चलती है, मोटर की 1 साल की गारंटी होती है। अगर आपकी मोटर जल जाती है तो पीस टू पीस कंपनी चेंज करके देगी, और बाकी पूरी मशीन में आपको फुल हेवी चैनल में बनी हुई है, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बिल्कुल, और पूरा मैनुअल प्लांट है, कोई भी बंदा। तो सर्विस के बारे में सर, आप कितना दिन तक सर्विस देते? सर इसकी मोटर की 1 साल की गारंटी है और मशीन की तो ये देख लो आपकी इसकी लाइफ टाइम की गारंटी, क्योंकि इसका कुछ बिगड़ना ही नहीं है, बिगड़ना ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है दोस्तों, इसमें ये प्लेट ऊपर से लगा हुआ है प्लेट, और इसके नीचे वाइब्रेटर मोटर लगेगा जो इसको वाइब्रेट करेगा, तो इसका कुछ भी नहीं, पूरा लोहा है और पूरा एकदम मजबूत क्वालिटी का हेवी लोहा यूज में किया हुआ। कई जगह क्या होता है कि ऊपर की चादर पतली हुई रहती है, अभी कस्टमर के ऐसे कॉल आते हैं तो बोलते हैं हमें मार्केट में सस्ता मिल रहा है, तो उसका रीजन ये होता है कि सर अगर क्वालिटी हल्की है तो सस्ता मिलेगा, बाकी अपनी जेब से लगा के कोई भी नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, अगर वो आपको कहीं ना कहीं कटौती कर रहा होगा, उसके हिसाब से वो आपको कोस्ट कटिंग जो होती है। अभी हमारी इस टेबल का अगर वजन देख के चले तो 160 से 170 किलो केवल टेबल का वजन होता है, 160 से 170 केजी टेबल का। सर हमारे व्यूवर्स चाहे दर्शक अगर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज होता है कि सर जी प्राइस के बारे में, हर कस्टमर कमेंट करते हैं कि सर प्राइस नहीं बताया, तो सर प्राइस के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये पूरा सेटअप सर 60,000 रुपए का है, ट्रांसपोर्ट GST एक्स्ट्रा, ये पूरा मोटर सेट। हाँ, दो मोल्ड मिलेंगे आपको जी, ये टेबल मिलेगी, मोटर मिलेगी, पूरा सेटअप 60,000 रुपए प्लस जीएसटी। देख रहे हैं दोस्तों, सर ने जैसे बताया कि मात्र छोटा सा 60,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप खुद रोजगार पा सकते हैं और गांव में 2-3 लोगों को रोजगार भी दे करके आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करके अपना पहचान बना सकते हैं। एकदम मिनिमम मात्र 60,000 से बिजनेस स्टार्ट करके अपना बिजनेस कहीं से भी, ये बिजनेस करने के लिए सर जनरली कोई भी कर सकता है या इसके चलाने के लिए कोई टेक्नीशियन की आवश्यकता हो? कोई भी कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे रिटायर्ड पर्सन है, चाहे कोई भी, कोई काश्तकार है, किसान है, कोई भी, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना है सर। 1 HP की मोटर है, आप स्विच लगाइए, उसको चालू करिए और इसमें मटेरियल डालिए, आपकी जो लोहे की जो सरिये वगैरह होते हैं वो डाल के, आपका रॉ मटेरियल डाल के और इसको रेडी करके निकाल। सर जनरली अगर जो व्यूअर चाहे दर्शक इस बिजनेस को करना चाहते हैं लेकिन उसमें रॉ मटेरियल की सबसे बड़ी चीज होता है कि रॉ मटेरियल बनाने का जो उसमें मिक्सिंग करने का जो प्रोसेस होता है, अगर वो हमारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा तो उसके बारे में सर आप क्या करते हैं? सर सबसे पहला तो ये होता है कि इसका जो रॉ मटेरियल होता है आपके लोकल में जो आप लेबर हायर करोगे उनको पता होता है, 99% लोगों को पता है कि भी इसमें कितना रेशियो डालना है। जैसे मकान बनते हैं तो वो कोई इंजीनियर को लेके नहीं आते हैं, वो बना लेते हैं, है ना, तो उसी टाइप से इसमें होता है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रही, तो हमारी टेक्निकल टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी, कितना मटेरियल मिलाना है कौन सा, क्योंकि सर
हर क्षेत्र में अलग अलग होता है। अब जैसे हम हमारी अगर क्वालिटी बताएं जी, कस्टमर को उसकी उतनी रेट ही ना मिले, है ना, तो वो रेट के अकॉर्डिंग उनको रेशियो रखना होता है कि भाई अपने को कितना रेट मिल रहा है, 280 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, उसके अकॉर्डिंग उनको रेशियो रख के मेटेरियल तैयार करना होता है। तो सर हमारे व्यूअर चाहे दर्शक अगर इस बिजनेस को करना चाहते हो तो अप्रोक्स कितने महीने का कमा सकते हैं? सर अगर महीने की तो क्या बात करें सर, अगर अपन तो इसकी पर पोल की बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे। अगर मान लीजिए कोई ले जाके मशीन को रख दे रहे, उसकी लेबर ही काम करना नहीं चाहे तो वो बोले कि सर आप तो इतना बोले थे वीडियो में, तो वो सारा काम उनके हाथ में होता है, है ना। अपन जैसे इस मशीन की अगर पोल की बात करें तो एक पोल से अगर अपन मिनिमम टू मिनिमम भी अगर मान के चले ना सर, तो 30 से 40 रुपए कहीं नहीं गए। देख रहे दोस्तों, सर ने जैसे बताया है कि मिनिमम 30 से 40 रुपए अगर पर डे, अगर ये आप एक पीस पे कमा सकते हैं तो अगर पर डे के जितना प्रोडक्शन करोगे, जितना सेल करोगे, आपकी जितनी मार्केटिंग आप इम्प्रूवमेंट जितने करोगे उतने हिसाब से आप कमा करके महीने के लाखों रुपया कमा सकते हो और उससे भी ज्यादा कमा सकते हो। अपन तो अगर सर कम से कम भी माने ना, कभी अगर मशीन जैसे पहले पोल फैक्ट्री में क्या होता था, 72 पोल होते थे जी, वो तीसरे दिन खुलते थे, यानी 3 दिन का प्रोडक्शन, 72 पोल। अगर आप इसमें रोज के कम से कम भी मानो ना सर, 100 पोल भी बनाते हैं और 100 पोल इजी वे में बन जाते हैं, 8 घंटे में 100 पोल कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो अगर 100 पोल भी माने और एक पोल पे अगर आप 30 रुपया मान रहे तो आपका 3000 रुपया हो गया, 3000 रुपया हो गया, ठीक है। खर्चा निकाल के मैंने बताया आपको 30 रुपया जो प्रॉफिट होता है, 25-30 रुपया वो खर्चा निकाल के होता है, तो 3000 रुपए के हिसाब से अगर देखें, आपने अगर महीने में मान लीजिए 22-25 दिन भी मशीन चलाई है जी, तो भी 60-70 हजार रुपए महीने का आपका कहीं तो देख रहे हैं दोस्तों। इजीली अगर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप कम इन्वेस्टमेंट में बड़ा प्रॉफिट बिजनेस आइडिया कर सकते हैं, मात्र ये आप 60 हजार के लगा करके महीने के 60 हजार रुपए कमाने की आवश्यकता जो कैपेसिटी होती है जो ये मशीन आपको दे देगी। बिल्कुल। तो सर हमारा व्यूअर चाहे दर्शक अगर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो ये मशीन आप कहाँ कहाँ तक प्रोवाइड करवा सकते हैं? सर हम मशीन ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करवाते हैं जी, जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं जी। पहला ऑप्शन ये होता है कि हमारे जो कस्टमर केयर नंबर दिए गए हैं, यहाँ से संपर्क करके वो मशीन की सारी जानकारी लेके मशीन ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं जी। उसमें हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि जैसे कस्टमर बोले कि फ्रॉड हो जाए या पैसा कहीं खाके पक जाए, तो हम सर इसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत कर देते हैं, हम कैश ऑन डिलीवरी में मशीन अवेलेबल करवाते हैं, जो कि इस मशीन इंडस्ट्री में आपको कोई नहीं देगा। बिल्कुल। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, आपको 20% पहले देना है जो भी हमारे कंपनी के करंट अकाउंट में, फिर मशीन यहाँ से निकल जाएगा आपके अगल बगल में जो भी ट्रांसपोर्ट ऑफिस है 10-20-50 किलोमीटर में जी, वहाँ ये मशीन पहुँच जाएगा, आप जाके तसल्ली कर लीजिए आपने जो चीज़ मंगाई वही है, फिर आप 80% अमाउंट डालिए। देख रहे दोस्तों सर ने जैसे बताया है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इजीली है, अगर कहीं से भी हो अगर इस मशीन को मंगवाना चाहते हैं तो मात्र 20% आप बुक करके जो भी वो आपको ट्रांसपोर्टिंग प्लस GST देना है, एक्स्ट्रा आपको होम डिलीवरी होने के बाद देना है। बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन जो होता है, कस्टमर यहाँ विजिट करके यहाँ पे सारा देख के हैंड टू हैंड भी ट्रांसपोर्ट पे लगवा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि कस्टमर बोले नहीं मैं तो हैंड टू हैंड लेके जाऊंगा, तो हमारे पास हैंड टू हैंड भी रेडी में होता है जो उनकी डिमांड होती है। जैसे इसमें क्या होती है सर, साइज अलग अलग होती है, साइज अलग। इस टेबल पे आप 6 फीट से लेकर के 14 फीट तक का खंबा बना सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 फीट तक का, तो उसमें जो साइज अवेलेबल होती है तो आप हैंड टू हैंड गाड़ी लेके आइए, हैंड टू हैंड लेके जाइए। तो देख रहे दोस्तों सर ने जैसे बताया है कि आप जैसे डिमांड करोगे वो इसके हिसाब से आपकी इसकी मोल्ड जी होती है वो बना करके आप लोग प्रोवाइड करते हैं जी कस्टमर। हाँ जी। तो सर हमारे व्यूवर्स दर्शकों को जानकारी देने के लिए एक नए बिजनेस आइडिया है जो खुद को चाहते हैं कि खुद रोजगार करके, बहुत सारे लोग जो देखते हैं कि दूसरे स्टेट में जॉब करना पूरी में करनी पड़ती है सर, कई लोगों को क्या होता है अपने गाँव में एक छोटा सा रोजगार लगाकर खुद का अपना बिजनेस करके अपना घर परिवार चला सकता है। तो सर हमारे व्यूवर्स को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जैसे ने सर ने बताया है कि छोटा छोटा रोजगार लगा करके आप खुद बिजनेस कर सकते हैं और लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। चाहते हैं कि इसी तरह का बिजनेस हमेशा देखने के लिए, इसी तरह का नई नई बिजनेस आइडिया आप देखने के लिए, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर दबा दें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते एक नई बिजनेस, एक नई रोजगार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।